हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आशा करता हूं सिक्स क्लास के सभी चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आया कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आया, तो आप फिलहाल दोबारा क्लासेस को लें और दोबारा देखें और उसमें जो मैंने क्वेश्चन है उनको लगाएं, ठीक है। मैंने पहले बता चुका हूँ कि कोई भी एग्जाम होगा और अब से आगे जब मेरा बैच खत्म हो जाएगा, तो आपके उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के जीके के क्वेश्चन निकाल करके और अपनी क्लास के जो मैंने चैप्टर करवाए हैं क्लास वाइज, ठीक है, सभी उनमें से निकालूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया भाई, ठीक है। बहुत से बच्चे मेरे से यही कहेंगे कि सर आपका क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन एक भी नहीं आया। मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा इन चीजों का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो सीधा चलते हैं, सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने होगा, हमारा पर्यावरण आपके सामने खुल भी रही है। फर्स्ट स्लाइड, तो ये सी टेट, यूपी टेट या नीट हो या आर्मी कमांडर हो, कोई भी हो, ठीक है। और उसको सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं तो एक हेडिंग सी डाल देता हूँ बस कि बच्चे यहाँ यहाँ ये संस्था आपके क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, फिर उसमें नीचे जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सब चीजें लिखी पड़ी हैं। और अबाउट में जाकर देख लो किस किस में जीके के क्वेश्चन आएंगे मेरे, ठीक है, और पूछे जाएंगे 101%, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जीके का पोर्शन तो आता ही आता है, ठीक है। मेरा मेन ये है कि बच्चे को डीपली नॉलेज हो जीके के बारे में भी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण, एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटकों के बारे में जानेंगे और मानव पर्यावरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी है, सिंपल सा वो है आपका चैप्टर जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो आसपास का पर्यावरण है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं ये जी। अब से पहले एक चैप्टर में आया है पर्यावरण क्या चीज है, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं लिए हैं और जिनको पता भी नहीं है कि पर्यावरण आ भी चुका है, तो कृपया करके चैप्टरों को लें, अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर उसमें क्वेश्चन भी दिए उनको लगाएं, उसमें भी मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है आपको, ठीक है। तब आप 7th क्लास की चैप्टरों को लें, ठीक है। तो पर्यावरण, जीवों के चारों ओर पाए जाने वाली चीजें, जो जीव है हमारे, हम है, तुम है, और जो जीव जंतु हैं सभी, उसके पाए जाने चारों तरफ पाए जाने वाली चीजें, लोग प्राकृतिक मिलकर पर्यावरण को बनाते हैं। पर्यावरण के मुख्य तीन घटक होते हैं, सबसे पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा आपका मानव पर्यावरण, ठीक है। जैसे कि ये मानव निर्मित और मानव पर्यावरण, ठीक है मेरे भाई। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जो नेचुरल एनवायरमेंट है, जिसमें किसी भी मनुष्य का कोई सहयोग नहीं है, जो हमारे प्राकृतिक की देन है, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, ये सभी, जैसे पढ़ते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में मौजूद हर चीज प्राकृतिक होती है, यानी उन चीजों में मानव द्वारा कोई बदलाव नहीं होता या बदलाव किया नहीं जाता, नहीं कोई सहयोग नहीं होता मानव का। नदियां, पर्वत, हवा, रेगिस्तान आदि में कोई कोई वो नहीं होता, ठीक है, सहयोग मानव का। प्राकृतिक पर्यावरण के ये अंग होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में दो प्रकार की स्थितियां हैं। सबसे एक है, सबसे पहले जीवी है और दूसरा अजीवी है। जो जीव जीव है, जो जीव जो सांस वगैरह लेते, मतलब जैसे हम है और तुम हो, जीव जंतु हैं, ये सभी जीवी हैं। अजीवी है जो निर्जीव चीज होती है, ये सारी चीजें। तो जीवी स्थिति जो लिविंग कंडीशन होती है, सजीव प्राणियों के संसार को जीवी स्थिति कहते हैं, और अजीवी है, अजीव पदार्थ के संसार को अजीव स्थिति कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है प्राकृतिक जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके घटकों के बारे में जान लेते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं आपके स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। याद कर लेना कि प्राकृतिक जो नेचुरल है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से आ जाते हैं वो आप देख लें आपके सामने। सबसे पहला स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो भूपट्टी होती है ना, जो ऊपर जाती है, वो उसकी बात हो रही है। पर
पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार और समुद्र तल शीतल मंडलों के भाग होते हैं और शीतल मंडल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, खेतीबाड़ी, मकान, दैनिक कामों के लिए हमारे शीतल मंडल का इस्तेमाल होता है, जैसे जिसमें हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, ये सब क्या आपका शीतल है। इस शीतल पर पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार ये सभी मिलते हैं, यहाँ तक कि शीतल समुद्र तल भी आपका पाया जाता है, शीतल मंडल का ही भाग होता है। ठीक है, इसमें आप में देख लेना, सभी चीजें मैंने दे रखी हैं, डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, अब जलमंडल पढ़ लेते हैं। जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित जल से जलमंडल बनता है। ठीक है, जलमंडल का अधिकांश हिस्सा समुद्र में पाया जाता है। सिंपल, जब जल का नाम आया तो समुद्र में पाया जाएगा। अब आता है वायुमंडल, एटमोस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के ये जैसे आपकी पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये, ठीक है, इसके चारों ओर हवा के आवरण का वायुमंडल कहते हैं। इसके चारों तरफ हवा है, वायुमंडल है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल हमारी पृथ्वी से चिपका हुआ है, ये इस तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है ना। इसमें मैंने बताया जैसे कि जैसे चंद्रमा और अदर जो उपग्रह हैं, ग्रह में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण उनकी गैसें उन पर आकर्षित करके मतलब उन पर ही टिकी रहती हैं, चिपकी रहती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही पृथ्वी के बारे में बता रहा है, वायुमंडल के बारे में जा रहे हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, इन कमेंट मुझे बता देना, मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं सारी सारी चीजें। तो जैव मंडल, बायोस्फीयर, शीतल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह संधि शीतल जहां पर सजीव रहते हैं। क्या? शीतल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह संधि शीतल जहां पर सजीव रहते हैं, जैसे जहां पर जीव जंतु, जो जो जीव जंतु हैं या जीव है, हम और तुम, हमारी तुम्हारी बात हो रही है, जहां पर ये सभी रहते हैं उनको जैव मंडल कहा जाता है। शीतल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के कुल क्षेत्रों का एक बहुत ही छोटे हिस्से में जैव मंडल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पारितंत्र, जो इकोसिस्टम है, सिंपल सी है। जीवधारियों का आपस में और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच में एक परस्पर संबंध होता है। इस पारस्परिक संबंध से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य अपनी सभी जरूरतों को पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, पर्यावरण पर निर्भर रहता है कौन? मनुष्य। वही पर्यावरण का स्वास्थ्य मनुष्य पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, हमारे कुछ गलत कामों के कारण प्रदूषण बढ़ता है जिससे पर्यावरण की नुकसान होता है। ठीक है, अब बहुत से पर्यावरण को बिगाड़ना ही, जैसे कि आजकल अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, ये पर्यावरण के हमारे आने वाले पर्यावरण के अब अधिक से अधिक गर्मी पड़ने लगी है। मार्च अप्रैल में ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में गर्मी पड़ने लगी है, क्योंकि पेड़ पौधे इतनी तेजी से कट रहे हैं और वहां पर अपनी सरकार अपना काम चला रही है, फैक्ट्रियां खोल रही है। दिन पर दिन ये जो हो रहा है, ये अंधाधुंध जो कटाई हो रही है पेड़ पौधों की, लगाव है तो एक कांटे सौ है, तो इससे हमारा पर्यावरण बन रहा है। और पर्यावरण बिगाड़ने में क्या प्रदूषण होता है? प्रदूषण का मतलब है जैसे कहीं भी कुछ भी चीज जला देते हैं। ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषित हो जाता है पर्यावरण। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में तो शहरों में पॉल्यूशन होता है, क्योंकि बाइकों से जो कार है ये सारी चीजें, जैसे इंजन, कोई कोई इंजन ऐसा होता है जो धुआं निकलता रहता है ना, उसका मतलब है प्रदूषण सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होता है प्रदूषण। ठीक है, इसीलिए गाँव की मात्रा में शहर अधिक प्रदूषण वाला क्षेत्र होता है और वहाँ का पर्यावरण अधिक मात्रा में जहरीला होता है। ठीक है, और इस पर्यावरण को सुधारने में, इसको सही करने में मतलब कि हमारे ही हाथ है। सबसे पहले अगर हम अपना सहयोग नहीं करेंगे पर्यावरण को सुधारने में या बिगाड़ते ही चले जाएंगे तो फिर कोई जीवन संभव नहीं है हमारा, बहुत जल्दी ही हम रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो यही सारी चीजें है, हमारे तो है, सबसे पहले हम ही तो कर रहे हैं। हम तो अगर हम खुद समझ जाएंगे, हम खुद से अगर ये प्रेरणा लें कि हमें पर्यावरण को सुधारना है, तो तभी जाकर हमारा आसपास का पर्यावरण या हमारे समाज या फिर या क्षेत्र, फिर जब जाके आप आगे जाके आपका देश एक स्वच्छ पर्यावरण पर्यावरण वाला देश कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, आप 10 जने में से एक जना कर रहा है इस चीज को फॉलो और 9 जने उसको अपनी राग अपनी अपने गीत में लगे, अपनी धुन में चल रहे हैं, तो ये बातें सारी गलत है। ठीक है, ज्यादा कहूंगा तो फिर वही है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? मैन मेड एनवायरमेंट।
मनुष्य ने अपनी जरूरतों के अनुसार अपने पर्यावरण में कई बदलाव किए हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में हर वह वस्तु शामिल है होती है जिसका निर्माण इंसानों ने किया है। मानव निर्मित का मतलब है जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मनुष्य ने बनाए। सिंपल सी बात है, हमारे शहर के मकान, भवन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल आदि मानव निर्मित पर्यावरण के अंग होते हैं। ठीक है, मानव द्वारा बनाई गई सारी चीजें। ठीक है, मानव पर्यावरण, ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? मानव पर्यावरण के तहत हमारा परिवार, समाज, शिक्षा व्यवस्था, धर्म, राजनीति, आर्थिक गतिविधियों को रखा जाता है। जब आधुनिक मानव का विकास हुआ तो मानव पर्यावरण बड़ा ही सरल था। लोग अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर करते थे। धीरे धीरे आदमी ने खेती बारी शुरू, जैसे मैंने बताया आपको, हिस्ट्री में बताया है। ठीक है, बारिश शुरू की और फिर गांव से बसने लगे, फिर जरूरत से अधिक अन्न का उत्पादन होने लगा, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी और वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास होने लगा। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में, सिंपल लैंग्वेज आपके सामने। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना भाई, यहाँ से दिक्कत आ रही है सर, ये समझ में नहीं आ रही। छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी मेरी सारी क्लासेस। ठीक है, और अधाधुंध आप लग जाओगे पढ़ने में, और अधाधुंध तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे पिछले वर्ष के और आने वाले संभावित क्वेश्चनों को। ठीक है, जल्दी से जल्दी कर लेंगे इस बैच को। टाइम तो लगेगा भाई थोड़ा सा, पर बढ़िया तरीके से टाइम लगाऊंगा, ताकि आगे तुम भी ये भी न कहोगे फिर से क्यों शुरू कर दिया आपने सिक्स क्लास। औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन तेजी से बढ़ा है, यातायात के साधन पहले से अधिक तेज हो गए हैं, तो पूरी दुनिया के लोगों का आपसी संपर्क बढ़ गया है। 20वीं और 21वीं सदी में संचार के साधन उन्नत हो गए हैं, इससे संचार तेजी से होने लगा और मानव पर्यावरण के और भी जटिल हो गया है। ठीक है, जो पर्यावरण की बात हुई यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं हम, जो कि मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं कराता हूँ। ठीक है, आप जैसे सिक्स क्लास में हर चैप्टर में देखते आए हो कि पहले क्लास होगी, उसका मैं समझाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चनों को समझाता हूँ, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ। पर एक बात देखिए, किसी भी बच्चे ने इन कमेंट में मेरे को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जो मैंने पूछे हुए हैं, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, या सिविक्स जो होती है, संविधान जो कि महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। जिसने क्वेश्चन किया है वो क्लास की है, वो तुरंत इसका धुआं कर देगा एक मिनट में। हवा, ठीक है, जल, ठीक है, भोजन, ये सभी चीजें मिलती हैं, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब निम्न में से कौन सी प्रकृति की देन नहीं है? पर्वत, बांध, नदियां, प्राणी। प्राणी तो है, प्रकृति की देन है, हम नदियां भी प्राकृतिक की देन है, पर्वत भी प्राकृतिक की देन है, तो क्या नहीं है? बांध। बांध हमने मानव द्वारा निर्मित है। निम्न में से मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से? घर है, बिल्कुल, कपड़ा, किताब, ये सभी है। डी इज द राइट आंसर आपके सामने। ठीक है, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अब जो ठोस प्रॉपर्टी है आपने समझा होगा, अगर आपने थोड़ा सा कहीं दिमाग इधर उधर नहीं किया होगा तो आप तुरंत इसका झटके से आंसर दे दोगे, प्राकृतिक पर्यावरण इसका आंसर, या मानव निर्मित, ये कुछ मिल रहा है इसे? सथल मंडल से तो मिल रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि सथल ऊपर वाला सथल मंडल मैंने जैसे पढ़ाया, तो ठोस प्रॉपर्टी की बात हुई और सथल मंडल इज द राइट आंसर आपका। सी आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? सथल है, ये जल है, जल, और ये वायु है। ठीक है, ये क्या है? जल है। ठीक, कर लेने थे सभी सामूहिक रूप से, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कार्य कौन कौन से? सथल भी है, जल भी है, वायु भी है, सभी इसका राइट आंसर है। एट क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्रेंच से, या फिर आपके लैटिन से, या यूनानी, या ग्रीक। ये राइट आंसर होगा पहला, और इन गूगल में आप सर्च कर लेना ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, ये निकला है एनवायरोनेर से। ठीक है, एनवायरोनेर से यहाँ से क्वेश्चन निकला, और यहाँ से फ्रेंच भाषा, ये तो मैंने ऐड कर दिया लास्ट का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द किसकी उत्पत्ति है, किस शब्द की आती है, किस शब्द से हुई उत्पत्ति इसकी? ठीक है, तो फ्रेंच, जो फ्रेंच शब्द होते हैं ना, फ्रेंच, जैसे फ्रांस, जैसे यूरोप देश में फ्रांस है वो, ठीक है, वहां से उत्पत्ति हुई है। किसकी? पर्यावरण एनवायरमेंट की। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? सिंपल है, तीन घटक होते हैं, मैंने आपको बताया, मानव निर्मित, मानव, और एक और क्या है लास्ट, थर्ड को बता देना आप, वही आपका
थर्ड है। तो तीनों के नाम कमेंट में बताना मुझे कौन कौन से है। पर्यावरण के कितने घटक है, तीन मैंने बता दी। पर्यावरण के घटक कौन कौन से है, प्राकृतिक घटक हो गया, मानव निर्मित घटक हो गया, यही आ गई। तो के और ख दोनों हो जाते हैं, सी इज द राइट आंसर। के और ख हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल आंसर आपके सामने। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से हैं, अब पर्यावरण के प्राकृतिक घटक, अब यहाँ पर पढ़ ले रहे, प्राकृतिक घटक की बात हुई है, समताप है, स्पत है, जलमंडल है, वायुमंडल है, उपरोक्त सभी है, सभी है इनके, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी वो होगी, नहीं तो तीनों है इसके, मतलब डी इज द राइट आंसर। पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से हैं, मानव निर्मित जो हमारे द्वारा बनाए गए, जो इंसान के द्वारा बनाई गई वो चीज, इमारतें बनाई गई, स्मारक, सड़क, उद्योग, पुरपाल, ये सभी सभी इज द राइट आंसर। अब जिस बच्चे ने क्लास को लिया मेरा, वो उसको इतने आसान लग रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन के, सेकंडों में दे रहे होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जो जीव है, जैसे हम है और तुम है, जीव जंतु है, सभी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाएगा, वातावरण या उपरोक्त सभी, पारितंत्र, बता सकता कोई, इसका आंसर है फर्स्ट, पारितंत्र, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये तो, ठीक है, आप नोट कर लेना, 13 क्वेश्चन इन PDF में आप नोट कर लेना, और यही क्वेश्चन थे मुझे लगता है, आई थिंक यहाँ पर क्लास हो जाएगी समाप्त। हाँ, इसी के साथ मेरी सारी क्लास ये बहुत ही अच्छे से तरीके से मैंने करवाई, जो कि 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने मैंने रखा, पर्यावरण एनवायरनमेंट आपको मैंने बताया है, और जैसे कि डेमो में मैंने बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, सभी चीज़ों को मैं ऐसे ही एनालिसिस करता चलूंगा, जैसे मैंने 6th क्लास के सभी चैप्टरों को किया है, चाहे वो आपकी क्लास हो, चाहे आपकी वो क्वेश्चन हो, तो ऐसे ही हम कंटिन्यूटी बनाते रखेंगे, और कंसंट्रेट आपको करना है हर चीज पर, ठीक है, टॉपिक को पढ़ना है और फिर आप क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, आप सर्च करके भी देख सकते हो कहीं से भी, कि क्वेश्चन निकालूं और मैं लगा कर देखूं, ठीक है, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए वो मेरे पास सेंड करो, या टेलीग्राम में सेंड कर दो इन कमेंट, मैं उस टेलीग्राम पर आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई, और कमेंट बिल्कुल करते रहो कि अच्छी क्लास है या बेकार क्लास है, कैसी क्लास है, कैसी भी क्लास है कुछ तो बोलो भाई, ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद।